हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाली वाली लेस यानी कि जॉइंट लेस को इजी वे से कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ले लेंगे, आप जिस पे भी लेस लगाना चाहेंगे, चाहे वो दामन हो चाहे वो स्लीव। तो मैंने ये स्लीव पर लेस लगानी है। तो सबसे पहले इस तरह हमने बारीक लेस लगा ली है इसके डिज़ाइनिंग के लिए। लेस को, फैब्रिक को सीधा रखते हुए और उसके ऊपर लेस को सीधा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह हमारी सिलाई सीधी सीधी लग चुकी है। इसके बाद फिर हम लेंगे जाली वाली लेस यानी कि जॉइंट लेस। तो हमने पहली वाली लेस से इसका गैप रख लिया है 1 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना रख सकते हो अपने। तो ये भी उसी तरह फैब्रिक को सीधा रखते हुए उसके ऊपर जाली वाली लेस को सीधा रखते हुए उसकी एक किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग जाने के बाद फिर हम इसके दूसरे किनारे के ऊपर भी सेम ऐसे ही लेस के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। फिर हम फैब्रिक को करेंगे उल्टा। तो फिर हम इस तरह फैब्रिक को बीच में से सेंटर में से रखते हुए इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम स्लीव को करेंगे सीधा और जो कपड़ा कट करा है उसको नीचे की ओर कर लेंगे। नीचे की ओर करते हुए इसके ऊपर हमने सीधी सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो फिर हम इसके दूसरी ओर भी फैब्रिक को ऊपर की ओर करते हुए इसके ऊपर किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह हमने जाली वाली लेस यानी कि जॉइंट लेस को अटैच कर ली है। तो आपको ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप किस वे से जाली वाली लेस को लगाते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी फिटिंग की सिलाई लग जाने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की ओर। स्लीव को सीधा करने के बाद ये हमारी पाकिस्तानी डिज़ाइनर स्लीव रेडी हो चुकी है। तो इसकी लुक पहनने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और गाइस, आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।